हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्नैपशॉट्स, दैट इज़ बर्थ. द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इज मूव्स अराउंड हाउ अ डॉक्टर सेव्स अ चाइल्ड आफ्टर हिज बर्थ. मीन्स कैसे एक डॉक्टर बर्थ के बाद एक बेबी को सेव करता है, तो पूरी स्टोरी इस पर बेस्ड है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटेडल. अब एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो एक बुक का पार्ट है. बुक है ऑलरेडी द सिटेडल, उसका एक पार्ट है. एंड्रयू मेंशन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल हैज़ जस्ट बिगिन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनले. अब इसमें क्या है, एंड्रयू मेंशन जो है वो उसने अभी भी मेडिकल स्कूल पास आउट किया और उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है एज एन असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर एडवर्ड पेज. और कहाँ पर की है, वेल्श माइनिंग टाउन है वो ब्लेनले के. ब्लेनले एक सिटी है वहाँ के, वेल्श माइंस में जो है वो माइंस के लिए फेमस है. तो वहाँ पर उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है. एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन द गर्ल ही लव्स. अब एक्चुअली एक इवनिंग को वो वापस आ रहा है बिकॉज एंड ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज उसका उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया. ही इज़ मेट विद बाय जो मॉर्गन. अब उसकी मीटिंग किससे होती है, जो मॉर्गन के से. जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. अब जो और जो उसकी वाइफ है उनकी मैरिज को 20 ईयर्स हो चुके हैं और वो उनका फर्स्ट बेबी होने वाला है. दो इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन डॉक्टर एंड्रयू रीच्ड ब्रैंगोवर ही फाउंड जो मॉर्गन वॉज वेटिंग फॉर हिम वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस. अब वो कहते हैं, इसमें नरेटर क्या कह रहा है कि इट वॉज मिड नाइट, कि नियर अबाउट मिड नाइट हो चुकी है जब डॉक्टर एंड्रयू ब्रैंगोवर में पहुंचा है और वहाँ जाके उसने क्या फाइंड आउट किया कि जो मॉर्गन वहाँ पर उसकी वेट कर रहा है इधर उधर घूमते हुए. और कौन से रास्ते पर घूम रहा है, जो उसकी क्लोज सर्जरी यहाँ पर क्लिनिक के लिए है. उसके क्लिनिक और उसके घर के एंट्रेंस के बीच में पड़ता है. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. Burly means heavy, उसकी body बहुत heavy है. और driller क्यों कहा गया, क्योंकि वो mines में काम करता है. तो जो मर्गन है जब उसने एंड्रयू को देखा तो उसके फेस पे एक बहुत relief आ गया, उसे relief मिला. Hey doctor, I am glad to see you. I have been back and forward here this last hour. The missus won't see before time too. अब जो मॉर्गन एंड्रयू से क्या कहता है कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और मैं पिछले एक घंटे से आपकी यहाँ पर इधर उधर चक्कर काट रहा हूँ और मेरी मिसेज यहाँ पर वाइफ के लिए आए, वो आप मतलब उसे आपकी नीड है बिफोर टाइम. मींस अभी एक्चुअली पूरे 9 months नहीं हुए, उससे पहले ही उसकी वाइफ को प्रॉब्लम हो गई है. एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट. अब एंड्रयू ने एब्रप्टली मीन्स सडनली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन मीन्स उसने अपने अपने आप को कंटेम्पलेशन मीन्स व्यूज सोच मतलब उस हिज ओन अफेयर्स अपनी पर्सनल लाइफ के जो उसके माइंड में प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकाला और मॉर्गन को वेट करने के लिए कहा. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blaina Terrace. वो जो एंड्रयू था वो घर में गया अपने बैग के लिए और उसके बाद वो इकट्ठे नंबर 12 Blaina Terrace एड्रेस के लिए निकल गए. The night air was cool and deep with quiet mystery. अब जो रात की हवा थी, नाइट एयर बहुत कूल थी और थोड़ा सा सीक्रेट मिस्टीरियस एनवायरनमेंट था. यूजुअली सो परसेप्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. कहते हैं नॉर्मल जो एंड्रयू था वो बहुत ज़्यादा
फीलिंग वाला पर्सन था, बट राइट नाउ ही वॉज फीलिंग डल और लिस्टलेस. उसका अभी भी थोड़ा सा मूड थोड़ा सा ऑफ टाइप था. ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैंडली. कहते उसे इस बात का प्रीमोनिशन मीन्स गैस, उसे ये गैस नहीं था कि ये नाइट, इस नाइट को जो उसने उसे कॉल आई है, जो जो मॉर्गन ने उसे घर बुलाया है, वो उसके आने वाले ब्लैंडली की जो लाइफ है उस पर पूरा इफेक्ट डालने वाले, मीन्स आज की रात उसकी लाइफ को चेंज करने वाली है. द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, देन जो ड्रू अप शॉर्ट. अब दोनों जो पर्सन थे वो चलते गए और कहाँ पहुँचे, नंबर 12 पे, और वहाँ जाके जो ड्रू अप शॉर्ट मीन्स जो वहीं पे खड़ा हो गया. आई विल नॉट कम इन ही सेड एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन. अब उसने क्या कहा, मैं अंदर नहीं आऊँगा, और उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है. बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस. बट जाते जाते जो ने एंड्रयू से क्या कहा कि मुझे पता है तुम हमारे लिए अच्छा ही करोगे. Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished. अब वो अंदर की पूरा पिक्चराइजेशन दिया गया कि अंदर एक नैरो स्टेयर्स जा रही थी और वो जाके एक छोटे से बेडरूम में गई. वो बेडरूम स्मॉल था लेकिन प्रॉपरली फर्निश्ड नहीं था, एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उसके अंदर एक ऑयल लैम्प जल रहा था. हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70, एंड द स्टाउट एल्डरली मिड वाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम. अब उस रूम में मिसिज मॉर्गन की माँ मदर, जो एक टॉल और वाइट जिसके हेयर थे और उसकी एज नियर अबाउट 70 ईयर्स थी, और उसके साथ एक स्टाउट मीन्स हेल्दी एल्डरली मिडवाइफ, मिडवाइफ यू कैन से नर्स, पेशेंट मीन्स मिसिज जो मॉर्गन, जो जो मॉर्गन की वाइफ थी, उसके साइड पर बैठ के वेट कर रही थी. और वो क्या कर रही थी, वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन, एंड्रयू के एक्सप्रेशन देख रही थी एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे वो रूम में चक्कर लगा रहा था. एक्चुअली एंड्रयू ने जब रूम में एंट्री की तो वो रूम में चक्कर लगाने लग गया, और इस चीज़ को वहाँ मिसिज मॉर्गन की मदर और वहाँ जो नर्स थी उसने नोटिस किया. लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. फॉर्मर्स मीन्स पहले वाली, पहले वाली यहाँ पर दो पर्सन की बात हुई है, मदर और नर्स की. तो पहले वाली मदर थी, तो मदर ने क्या कहा कि मैं आपके लिए कप चाय लेकर आती हूँ डॉक्टर. एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, अब एंड्रयू ने हल्का सा स्माइल किया. ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर. अब उसने क्या ऑब्जर्व कर लिया कि जो ओल्ड लेडी थी, मतलब मिसिज मॉर्गन की मदर थी, वो बहुत एक्सपीरियंस थी, और उसे रियलाइज़ हो गया था कि अभी डिलीवरी में टाइम है, तो वो शायद डॉक्टर, उसे डर था कि डॉक्टर मैं ये ना कह दे कि मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ केस, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ. मतलब उसे ये डर था कि डॉक्टर चला ना जाए. डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे. अब एंड्रयू ने उसे क्या कहा कि फ्रेट मीन्स टेंशन, चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं, मतलब मैं नहीं जाऊँगा. डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम ओवर रोड विच शी गेव हिम. अब नीचे किचन में बैठ के उसने चाय पी जो मिसिज मॉर्गन की मदर ने उसे दी थी. ओवर रोड एज ही वॉज, ओवर रोड मीन्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, टायर्ड था वो. ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम. उससे पता चल गया था कि अगर वो घर जाता है तो उसे एक घंटे की नींद भी नहीं मिलेगी, मतलब घर जाएगा सोने लगेगा तभी तक उसे लग रहा था कि डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, उसके पास मैसेज आ जाएगा. ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और उसे पता था कि ये केस उसकी पूरी अटेंशन पूरी कंसेंट्रेशन नीड कर रहा है. अ क्वियर लिथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम. अब उसके पास ऊपर एक लिथार्जी मीन सुस्ती आ गई थोड़ी सी. ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, और उसने क्या डिसाइड किया कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो वहीं पर रुकेगा, मीन्स उसी डिसाइडेड कि वो वापस अपने घर नहीं जाएगा.
An hour later, he went upstairs again and noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. एक घंटे बाद वो दोबारा ऊपर गया, वहाँ पे उसने कंडीशन को देखा और नीचे वापस आया और किचन फायर के पास बैठ गया एंड्रयू. इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. कहते हैं और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी. किस चीज़ की साउंड आ रही थी? एक तो रसल ऑफ सिंडर इन द ग्रेट मीन्स चूल्हे में जो आग जल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, और स्लो टिक टॉक ऑफ वॉल क्लॉक, और वॉल क्लॉक पे जो साउंड आ रही थी वॉल क्लॉक क्लॉक के चलने की. नो देर वॉज अनदर साउंड, और यहाँ पे एक और साउंड थी. कौन सी? द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड. किसकी? तीसरी साउंड किसकी थी? जो जो मॉर्गन था वो बाहर स्ट्रीट में चक्कर लगा रहा था, उसके पैरों की, फुटस्टेप्स की. द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस. ओल्ड वुमेन मीन्स मिसिज जो मॉर्गन की मदर, उसके सामने बैठी थी एंड्रयू के, और उसने ब्लैक ड्रेस डाली हुई थी, विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट एनी मोमेंट वो बैठी हुई थी, और उसकी आँखों में एक स्ट्रेंज अलाइव और वाइज मीन्स एक तरह से थोड़ा सा हैप्पीनेस की फीलिंग थी, और प्रोबिंग मीन्स इधर उधर देख रही थी, कुछ ढूंढ रही थी. लिविंग हिज फेस, और वो एंड्रयू के फेस पे देख रही थी. हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड. अब उस हिज मीन्स यहाँ पर एंड्रयू के जो थॉट्स थे वो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले थे, मडल्स मीन्स कन्फ्यूजन वाले थे. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली. अब जो एपिसोड, जो घटना उसके साथ कार्डिफ स्टेशन पर हुई थी, वो अभी तक ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली मीन्स उसके दिमाग में अभी तक कम्प्लीटली छाई हुई थी. ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वूमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, ऑफ एडवर्ड पेज, bound to the shrewish Blowden of Denny, living unhappy apart from his wife. अब वो ब्रैमवेल के बारे में सोच रहा था, जो एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी था, जिसने उसे बहुत बुरी तरह से चीट कर दिया था, और उसे एडवर्ड पेज की याद आ रही थी, जो एक श्रुइश ब्लॉडन मीन्स ब्लॉडन एक लेडी का नेम है, श्रुइश मीन्स बहुत ज़्यादा घटिया चीप लेडी, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था. फिर ऑफ डैनी मीन्स उसे अलग अलग लोगों की बात आ रही थी, याद आ रही थी, पहले ब्रैमवेल, उसके बाद एडवर्ड पेज, और अब डैनी, हु लिविंग अनहैप्पी अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ से अलग होके बहुत उदास होके रह रहा था. हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमल फेलियर्स. और इस सारी चीज़ों से वो ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जो मैरिजेस होती हैं वो फेलियर होती हैं, किसी का भी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है. इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस. और ये एक ऐसा रिजल्ट था जो उसकी प्रेजेंट स्टेट में उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था. ही विश्ड टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियलिकल स्टेट. वो ये चाहता था कि मैरिज एक आइडियल स्टेट की तरह हो. येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम. लेकिन वो किसी और आइडिया की तरह से ये सोच ही नहीं पा रहा था. उसके सामने सिर्फ क्रिस्टाइन का फेस आई जा रहा था. मीन्स जब वो अलग अलग लोगों के मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहा था, तो उसके माइंड में मैरिज को लेकर नेगेटिव पॉइंट ही आ रहे थे. वो चाहता था कि मेरी मैरिज एक सक्सेसफुल हो, बट स्टिल जो आज उसके साथ एक्चुअली उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो उसके माइंड में सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे. हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन. अब उसके माइंड में क्रिस्टाइन की आइज आ रही थी, जो उसे देखकर शाइन कर रही थी, और वो कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा था कि वो क्या चाहती है उसके साथ. फाइनली
इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज. कहते अब एक ये स्ट्रगल था, प्रॉब्लम थी किस किस के बीच में, उसके माइंड और उसके हार्ट के बीच में, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और कन्फ्यूज हुआ हुआ था. रिसेंटफुल मीन्स इरिटेटिंग. ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट. अब उसने क्या किया, अपनी चिन को अपनी चेस्ट पर रख झुकने दिया. स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपनी लेग्स को ओपन किया. स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और वो किचन फायर के पास बैठा था और फायर को वो घूरने लग गया. ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, वो काफ़ी टाइम तक ऐसे बैठा रहा. एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विथ क्रिस्टाइन, और उसके माइंड में सिर्फ क्रिस्टाइन चल रही थी. दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम. जब वो सडनली एकदम चौंक गया, जब सामने जो ओल्ड वुमेन मीन्स मिसिस मॉर्गन की जो मदर बैठी थी, उसने उसे एकदम बुलाया. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. उसके जो उस लेडी ने उसे बुलाया, तो उसे जो माइंड में उसका डाइवर्ट हो गया. सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी. अब वो मिसिज मॉर्गन की वाइफ मदर ने क्या कहा कि सुजैन कहती है कि उसे क्लोरोफॉर्म आपको पता है अनकॉन्शियस करने के लिए, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है किसी को फेंट करने के लिए. तो क्या कहती है कि सुजैन कहती है कि उसे क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए अगर उसकी वजह से बेबी को कोई भी हार्म हो रहा है. शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, मीन्स उसकी सारी जान इस चाइल्ड में अटकी हुई है. एक्चुअली क्या है कि जो मॉर्गन और उसकी वाइफ को 20 ईयर्स के बाद बेबी हो रहा है, तो वो किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते कि बेबी को कोई प्रॉब्लम हो. हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट. अब जो मिसिज मॉर्गन की मदर थी, उसकी आइज में कुछ थॉट, उसके माइंड में कोई थॉट आया और उस वजह से उसकी आइज में एक शाइन आ गई, मीन्स वो खुश हो गई. शी एडिड इन अ लो टोन, उसने हल्की आवाज़ में क्या कहा, वी ऑल आर आई फैंसी. कहती हाँ, हम सबकी जान वहीं पे अटकी हुई है. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. अब जो एंड्रयू था, वो अभी तक क्रिस्टाइन और मैरिज के बारे में सोच रहा था, तो उसने क्या किया, अपने आप को कंट्रोल किया, उन आइडिया से बाहर निकाला. इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, वो कहता है एनेस्थीसिया से कोई हार्म नहीं होगा. दे विल बी ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक होगा, दोनों ठीक होंगे. हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. अब उसे तभी ऊपर से नर्स की साउंड सुनाई दी. एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, एंड्रयू ने क्लॉक को देखा, विच नाउ शोड 3:30. जो 3:30 मीन्स 3:30 का टाइम शो कर रही थी. ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो उठा और बेडरूम गया. ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और उसे शायद पता चल गया कि अब उसे अपना काम स्टार्ट करना है. एन आवर इलैप्स्ड, एक घंटा बीत गया. इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, काफ़ी लॉन्ग हार्श स्ट्रगल था. देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस. कहते जैसे ही सुबह की पहली किरण कर्टेन, ब्लाइंड मीन्स कर्टेन को चीर के अंदर आई, वैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, बेबी का बर्थ हुआ, लेकिन वो लाइफलेस था. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. अब जैसे ही उसने still form means उस lifeless form को देखा, उसके अंदर एक डर की कंपकंपी छा गई. After all that he had promised. क्यों? क्योंकि उसने promise किया था कि सब ठीक होगा. His face heated with his own exertions chilled suddenly. अब उसका face जो इतनी मेहनत एफर्ट्स करने की वजह से गर्म हुआ हुआ था, वो एकदम ठंडा हो गया. ही हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू
रिससिएट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अ मदर हु वॉज हर सेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट. अब उसकी वो एक वो रुका हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिएट द चाइल्ड. अब वो दो कंडीशंस के बीच में फंस गया, क्या कि या तो वो बच्चे को रिससिएट द चाइल्ड मीन्स अलाइव करने की कोशिश करे, या फिर ड्यूटी जो उसकी मदर की साइड है जो अभी बहुत बुरी कंडीशन में थी, मीन्स दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, माँ की भी और बेबी की भी. द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिडंट सॉल्व इट कॉन्शियसली. अब ये जो डिलेमा था, जो उसकी प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन थी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने वाली थी, मीन्स उसे डिसाइड करना था वो क्या काम करे. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless. अब उसने क्या किया, Blindly means बिना देखे जल्दी से बेबी को नर्स को दिया और अपना सारा ध्यान सुजैन की तरफ लगाया जो अभी तक नीचे गिरी हुई थी. Pulseless means उसकी पल्स रेट बहुत कम थी. Not yet out of either upon her side, और उसकी में अभी तक इधर मींस जो एनेस्थीसिया के लिए उसे बेहोश करने के लिए दवाई थी उसकी वजह से वो अभी तक बेहोश थी. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट. अब जो डॉक्टर था, एंड्रयू था, उसने बहुत जल्दी जल्दी की. अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. और उसने क्या किया, जल्दी की किसके लिए, वो जो मर रही थी लेडी मींस मिसिस जो मॉर्गन को बचाने के लिए जल्दी की. इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्योर एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. उसने मींस उसे एक पल लगा जब उसने क्या किया, शीशे की एक वो जिसमें से इंजेक्शन फिल करते हैं उसे तोड़ा और उसके अंदर से इंजेक्ट की, इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन फिल की. देन ही फ्लंग डाउन द हेपोडर्मिक स्टीरिंज एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लेसिड वूमेन. और उसने क्या किया, उस सिरिंज को फेंक दिया, पहले उसे लगाया और औरत जो लेडी थी बेहोश पड़ी थी उसे मतलब रिस्टोर मीन्स उसे अलाइव करने में, उसे होश में लाने में जुट गया. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट, और कुछ मिनट्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड. जो मिसेस मॉर्गन थी उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी नॉर्मल हुई. ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर. अब एंड्रयू ने क्या देखा कि अब वो उसे छोड़ सकता है, मीन्स नाउ ही इज शी इज बिकमिंग नॉर्मल. ही स्वंग राउंड, वो एकदम घूमा. इन हिज शर्ट स्लीव्स हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो. कहते वो अपनी शर्ट डालते हुए एकदम घूमा और जो उसके माथे पर बाल थे वो चिपके हुए थे स्वेटिंग की वजह से. वेयर इज़ द चाइल्ड, उसने पूछा, वेयर इज़ द चाइल्ड. द मिडवाइफ, मिडवाइफ मीन नर्स, मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर. उसका फेस पे डर आ गया. शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड. उसने वो बेबी, क्योंकि जब बेबी हुआ वो मरा हुआ था, लाइफलेस था, तो उसने वो बेबी को बेड के नीचे रख दिया था. इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन. इन अ फ्लैश मीन्स पलक झपकते ही एंड्रयू नीचे झुका. फिशिंग अमंग्स द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड. बेड के नीचे सोडन न्यूज़पेपर मीन्स जो थोड़े से सिल के गीले हो जाते हैं ना, उसके अंदर हाथ मारते हुए उसने बच्चे को बाहर निकाला. अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड. वो बेबी जो था वो बॉय था और उसकी सारी बॉडीज ऑर्गन्स पूरे बने हुए थे, फॉर्मेशन पूरी थी. द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो. उसका जो बॉडी थी वो सफ़ेद थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई थी. द कोर्ड हेस्टली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम. और जो कोर्ड काटी गई थी वो एक टूटी हुई ब्रोकन स्टेम की तरह पड़ी हुई थी. द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्स्चर स्मूथ एंड टेंडर. जो बेबी की स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी, स्मूथ थी, डेलिकेट थी. द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक. अब जो उसका हेड था
जो बेबी का हेड था वो उसकी पतली सी नेक के ऊपर लटक रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और ऐसा लग रहा था उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें बोन ही नहीं है। मीन्स ऐसा वो बेबी बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था।